आज समाज की हालत देख करके सोचा करता हूँ परमात्मा, समाज में हवस के भूखे भेड़िए कहाँ तक गिर रहे हैं, कितनी बहनों के अंग नोच नोच करके खा रहे हैं। कौन सा ऐसा अत्याचार बचा है जो नारियों के ऊपर ना हुआ हो। मेरे कहने का मतलब है, कहीं आग में जल रही कहीं डाल के फंद, कहीं दरिंदे नोचते मासूमों के अंग। कितना अत्याचार हो रहा है हमारे भारत देश की नारी के ऊपर, वो नारी जिससे पूरी सृष्टि चल रही है, लेकिन आज नारी कोई खाने में नर लगा हुआ है। कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, अब हम आपको क्या बताएं, आप लोगों ने खुद ही देखा होगा। लेकिन सोचा करता हूं परमात्मा, है सितम कौन नारी पे हुआ जो नहीं, है सितम कौन नारी पे हुआ जो नहीं, मौन बैठे सब क्यों कहता कोई कुछ नहीं, मौन बैठे सब क्यों कहता कोई कुछ नहीं। कौन सा ऐसा जुलम जो नारियों के ऊपर ना हुआ हो। आइए सज्जनों थाम के दिल सुनो, आज मणिपुर की घटना सुनाता हूँ मैं, पीड़ा दुख से घिरी आंसुओं से भरी एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ मैं। दुखिया बेनारियाँ खिंच गई साड़ियाँ, कोई उनका गोदामन बचा ना सका, उनके ईमान को नारी सम्मान को हाय जालिम दरिंदों ने छीन सा लिया। नारी नर की है माँ जिसको पूजे जहाँ, बस इन्हीं नारियों से ये जग चल रहा, पर ये क्या हो रहा नारियों पे जरा कोई इंसान काहे नहीं कही रहा। कहीं पर जल रही कहीं घुंड मर रही, कहीं तानों से उनको मारा जा रहा, बढ़ता जा सब क्यों कहता कोई कुछ नहीं। जो मणिपुर में घटना हुई है हमारे भारत देश में, जब से देखा हर इंसान के अंदर का लहू खून खौल उठा है एकदम से, लेकिन ये घटना हुई क्यों, कैसे हुई, क्या कारण बना, आइए हम आपको समझा रहे हैं। इस कहानी को सुनने के बाद में आंखों में आंसू तो रुकेंगे नहीं, गरम गरम खून खोल उठ पड़ेगा आपका। कितनी दरिंदगी हुई है माताओं बहनों के ऊपर मणिपुर में। एक फेक वीडियो वायरल होता है मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के दो लोग रहते हैं, दोनों समुदाय कहीं से वीडियो वायरल होता है कि मैतेई समुदाय में किसी लड़की के साथ में कुकी समुदाय के लोगों ने बलात्कार किया है। ये वीडियो जब वायरल हो गया तो मणिपुर में जब मैतेई समुदाय के लोगों ने देखा कि मेरे समाज की लड़की के साथ में बलात्कार कुकी समुदाय के लोगों ने किया, मैं भी कुकी समुदाय के लोगों के बहनों और बेटियों के साथ में यही करूँगा, यही सोच करके मैतेई समुदाय के लोग चल दिए दूसरे गाँव में जहाँ कुकी समुदाय के लोग रह रहे थे। देखिए दोस्तों, फेक वीडियो के कारण कितनी बड़ी घटना हो गई मणिपुर में।
एक कहानी सुनी छाई एक सनसनी, सारे लोगों में गुस्सा उभरने लगा। कोई बंदूक ले लाठी कंधे धरे, सारी मेटे समुदाय सवरने लगा। आठ नौ सौ जने एक संग में चले, जाके चारों तरफ गाँव को कस लिया। बड़ी बेरहमी से डाल पिटरोल से, एक एक करके घर को जला है दिया। उसमें था एक वो घर जिन पे हुआ एक कहर, जो बताने के लायक नायब है रहा। याद कर वो घड़ी जो बड़ी दुख भरी, फिर भी मजबूर हो कर के मैं कह रहा। मैं तेई समुदाय के लोग जाकर के कुकी समुदाय के लोगों का गांव घेर लेते हैं, घर में आग लगा देते हैं। ये 4 मई की घटना है मेरे भाइयों। लोग बिल्ला करके भाग रहे हैं, जानवरों को काट काट करके डाला जा रहा है। लेकिन उसमें एक फौजी का परिवार था जो उनकी चपेट में आ गया। जाके फौजी के घर उनको लिया जब पकड़, और पत्नी को उनकी सताने लगे। फौजी रोते रहे गिड़गिड़ाते रहे, पर कमीने न माने मनाते रहे। अंत में उनका चलता है कोई बस नहीं, अंत में उनका चलता है कोई बस नहीं। मौन बैठे सब क्यों कहता कोई कुछ नहीं। जब फौजी के परिवार वालों को पकड़ लेते हैं मैथिली समुदाय के लोग, उनकी स्त्री के ऊपर जब अत्याचार करने लगे, उसके बाद में पता नहीं कितने मासूम वहां पर मारे गए। बात बढ़ती गई जान जाती गई, बात बढ़ती गई जान जाती गई, एक कहर सा सभी पर गुजरने लगा। लेके परिवार को भागे उस पार वो, एक सहारे को वो तो तरसने लगा। भागे जंगल की ओर हर तरफ था वो शोर, पर दरिंदे वे उनके पीछे पड़ी गए। संग में पत्नी लिए लड़का लड़की लिए, उन दरिंदों से कैसे भी बचते गए। तब लो आई पुलिस कर न पाई दबिश, भीड़ ने इतना ज्यादा उपद्रव किया। ओ के मजबूर वो भागते दूर वो, उन दरिंदों ने सबको पकड़ जब लिया। फौजी के परिवार वाले भागे, उसमें 2 महिलाएं थी, एक पुरुष था, और उस पुरुष का एक लड़का और एक लड़की। ये 5 लोग जब भागे, लेकिन मैतेई समुदाय के दरिंदे उनके पीछे पीछे लग गए। वो लोग जंगल की ओर भागते चले गए। आगे पुलिस की गाड़ी मिली, गाड़ी में जाकर के बैठ गए। लेकिन बॉस दरिंदे कम से कम 800-900-1000 तक थे। 4-5 पुलिस वालों की कोई पेश नहीं गई। अंत में जाकर के पकड़ लिया उस परिवार को। अब देखो दरिंदगों ने कैसी दरिंदगी की है उनके साथ में, अब हम आपको कैसे बताएं भाइयों। सब थे रोते रहे गिड़गिड़ाते रहे, उन दरिंदों ने कोई रहम ना किया। लीनी लड़की पकड़ कोई आया ना तरस, फिर कमीनों ने उन पर जुलम है किया। आग कहने में आता समझ ही नहीं, आग कहने में आता समझ ही नहीं। मौन बैठे सब क्यों कहता कोई कुछ नहीं। उन दरिंदों ने जाकर के
महिला, एक पुरुष, एक लड़का और एक लड़की, पांच लोग थे, पांचों लोगों को घेर लिया। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, कहने में तो आंखों में आंसू की धारा बहस निकली है, लेकिन फिर भी हम कहने का प्रयास करेंगे। इतनी दरिंदगी हुई, इतनी बेशुमार घटना हुई है। आगे जो कुछ हुआ मेरा फटता जिया, तुमको कैसे सुनाऊं वो मंजर हुआ। तीनों महिलाओं से बोले फूल जोश से, अपने कपड़ों उतारो जो मैं कह रहा। दरिंदों ने तीनों महिलाओं को पकड़ा, जवाब दिया अपने अपने कपड़े उतारो, नगन हो जाओ। हाय हाय लोगों, ऐसी बातें सुनी कर गई अनसुनी, बोली तुमको जरा शर्म आती नहीं। चाहे मारो हमें, काट डालो हमें, मुझे पर तुम्हारी कहीं मैं करूंगी नहीं। सुने इतने वचन उन दरिंदों ने, जब अपनी मनमानी उन पर दिखाने लगे। छेड़खानी शुरू दुखियों की आबरू, उनकी इज्जत लुटाने पे बेतुल गए। लड़की रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मेरे भैया मेरी लाज जाने लगी। भैया भैया मेरे, माँ के छैया मेरे, देख भैया को बहना तिलकने लगी। बोला भैया बहन मैं हुआ काय भी, बोला भैया बहन मैं हुआ काय भी, मौन बैठे सब क्यों कहता कोई कुछ नहीं। जिस समय दरिंदों ने उस लड़की को पकड़ लिया, जबरदस्ती करने लगे, कपड़े उतारने लगे, बहन चिल्लाई भैया मेरी लाश जा रही है। भैया भागा भागा जवाब दिया, बहन रोना नहीं, जब तक भैया तब तक तुम्हारी लाश नहीं जाने दूंगा, मर जाओ उसके बाद में जो कुछ भी हो। द्रौपदी की तरह बन कन्हैया चला, उन दरिंदों पे जैसे ही हमला किया। भीड़ भारी हती उसकी कुछ ना चली, जैसे तैसे बेचारा बुलड़ता रहा। अंत में भीड़ ने कस लिया वीर को, लात घूसों से उस पर बरसने लगे। देख हालत खड़ी रोती बहना रखी, आंसू आंखों से झर झर बरसने लगे। बहना आगे बढ़ी, बहना आगे बढ़ी, विनती करने लगी, बोली तुम जो कहोगे करूंगी बही। मगन हो जाऊं, नगन हो जाऊंगी, लाज खो देऊंगी, पर न मारो हमारो बिरनवा कोई। जब उस बहन के भाई को मारने लगे, बहना दौड़ी पाँव पकड़ने, जवाब दिया भैया हमारे भैया को छोड़ दीजिए, आप लोग कह रहे हैं फिर मैं अपने कपड़े उतारूं नगन हो जाऊं, मैं कपड़े उतारने के लिए तैयार हूं, आप मेरे भैया को छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, बहन के अंदर भैया के लिए कितनी बड़ी दया, कितना बड़ा प्यार हुआ करता है। मणिपुर की घटना को देख करके भला किसका खून नहीं खोलेगा। सुन बहन के वचन भैया करके रुदन, बोला बहना मेरी जान जाए चली। अपने होते हुए सबसे लड़ते हुए, आज आने ना दूंगा मेरी लाडली। जब लो तेरा बिरन तुम ना हो ना नगन, मेरी बहना तुझे ये कसम है मेरी। तुझे होता नगन तेरा छोटा बिरन, कैसे हालत सहेगा बहन ये तेरी। उन दरिंदों ने तब कोई किया ना रहम, मारते मारते मार डाला बिरन। सांस थमने लगी, आंखें तड़ने लगी, मर गया भैया रोती बहन।
बढ़ने के बाद में उस बहन को पकड़ लेते हैं, जबरदस्ती उसके कपड़ा उतारने लगे, दुपट्टा फेंक दिया। अब सुनो जो हुआ सब गलत ही हुआ, जुल्म सारे दरिंदों का बढ़ता गया। ताने बंदूक दी बोले जो सांस ली, एक में ही मिटेगा मुकद्दर तेरा। कपड़े उतारने को कहा, बहन ने जवाब दिया, दरिंदो तुमने मेरे भाई को मार डाला और मेरे ऊपर मनमानी कर रहे हो। दरिंदों ने बंदूक तान दी, जवाब दिया, खबरदार अगर तुम नगर नहीं होगी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बोले चल हो जाओ नगन तो न मारेंगे हम, बात कह कर के इतनी वो हंसने लगे। बन के तू शासन वो अपने हाथन से, वो चीर उन नारियों का वो हरने लगे। कर ही डाला नगन हाथ रख के बदन, चलती सड़कों पे उनको घुमाने लगे। कभी इधर उधर कभी रखते बसर, कभी इधर उधर हाथ रखते बसर, जुलम वाले जुलम कर सताने लगे। अंत में उस माताओं और उस बहन को नंगा कर दिया दरिंदों ने, है नंगा करते उनकी छाती नहीं फटी, आज खून खोल रहा है मेरे भाइयों। जब नंगा कर दिया और उनके शरीर पर गलत जगहों पर हाथ फेराने लगे, कहीं इधर बदन पर हाथ रखते हैं, कहीं उधर रखते हैं। अब कहां कहां हम बताएं आपको, आप खुद ही समझदार हो। कितनी बुरी घटना हुई है मणिपुर में, फिर भी कोई आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हो रहा। कब तक जुल्म होता रहेगा हमारी माताओं बहनों के ऊपर। जग में तेरे और बैठा कहां तू प्रभु सो रहा। मुझको लगता है डर देख कर ये कहर, जान क्या हो गया गे तू ही जानता। आदमी अब यहां बन गया है बेहया, मेरे मालिक किसी की नहीं मानता। अब किसी को किसी की जरूरत नहीं, मौन बैठे सब क्यों कहता कोई कुछ नहीं। इधर माताओं बहनों को नंगा घुमाया गया, रोड पर परेड कराया गया उन मासूमों से, नगन होकर के आप कुछ सोचो जिसकी लाज जा रही उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। लाज जाती लाज सारी गई, रोती बहना रही मुंह दिखाने के लायक रही ही नहीं। जाए बेचारी कहां दौड़ी भागी वहां, जहां भैया बबुल की लहस थी पड़ी। उन दरिंदों ने उस लड़की के बाप उसके भाई दोनों लोगों को मार दिया था, उसकी लाज लूटने के बाद में छोड़ दिया। जवाब दें जंगल से होते हुए भाग जाओ तुम लोग। बहन आ गई कपड़े पहने, अब लाश तो जा चुकी थी, कहां तक छुपाएं अबरू। पहुंची अपने भैया और बाप की लहस पर रोने लगी, जाके रोने लगी भैया की लाड़ी ली। बोली भैया हमारा कहां तू गया, लाज मेरी गई जान तेरी गई, कुछ बचा सब गया। बहन भैया पे बैठी
क्यों कहता कोई कुछ नहीं। बहन भाई की लाश पर रो रही है, इतना ही अत्याचार नहीं हुआ, नकल किया गया बहनों को, अब आओगे देखो कितना अत्याचार करते हैं वो जुल्मी। कुछ समय पे बहा बांध कर पेटियां, आए दुश्मन चलाने लगे गोलियां, बोले शैतान वो चाहिए जान जो, भाग जाओ यहां से बचा लो जिया। जवाब दिया, अगर अपनी जान चाहती हो तो यहां से भाग जाओ, नहीं जंगलों से होते हुए। देखी मासूमों ने पहले तो लाश लूटी, भाई की जान ले ली, लेकिन अब भाई की लाश पर रोने भी नहीं दे रहे हैं बाहरी जुल्मी। चौकी मुकदमा लिखाया गया, पर न आया कोई, रात बढ़ती गई, हर तरफ था बड़ा शोर छाया हुआ। 4 मई की खबर गए महीने गुजर, तब जुलाई में वीडियो दिखाई पड़ा, देख वीडियो पूरा सबका गुस्सा बढ़ा, पूरा यूपी को घटना हुई। बहने जाकर के, महिलाओं ने जाकर के मुकदमा दर्ज कराया, सुनवाई कोई नहीं हुई, वीडियो दबा दिया गया, इंटरनेट सुविधा भी बंद कर दी गई। धीरे धीरे 4 मई को हुई घटना, 19 जुलाई को जब नेट चालू किया गया तब ये वीडियो वायरल होती है, जनता के सामने आई है, सभी का खून खौल उठा। इसलिए अब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि घटना तो बहुत बुरी हुई है, इन जालिमों को कड़ी से कड़ी सजाएं भी मिलेंगी। उसमें 6 मुलजिम जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, मेन अपराधी वो जो लड़की के ऊपर हाथ रख करके नगन करके उसे रोड पर घुमाया जा रहा था, जिस मुलजिम के द्वारा वो अपराधी भी पकड़ लिया गया, जिसका नाम हैरो दास बताया जा रहा है। सितम कौन नारी पे हुआ जो नहीं है, सितम कौन नारी पे हुआ जो नहीं, मौन बैठे सब क्यों कह।